नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। शासन द्वारा निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह के आखिरी दिन सिद्धार्थनगर जिले के इटवा नगर पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर इटवा नगर पंचायत में नव निर्वाचित अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी व भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह को बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर इटवा SDM ने अपने क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इटवा की जनता ने भाजपा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की जीत पर जो मोहर लगाई है, उसके लिए पूरे जिले के भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां के लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अब इटवा नगर पंचायत का चौमुखी विकास होगा, तो वहीं नव निर्वाचित इटवा के अध्यक्ष ने भी हाल ही में बने नगर पंचायत इटवा के विकास का वादा करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। रिपोर्ट असदुल्ला सिद्दीकी। सर, आप लोग ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात कर रहे थे, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, नवसर्जित नगर पंचायत है, विकास को लेकर क्या मास्टर प्लान है? देखिए, आजादी के बाद विधानसभा क्षेत्र इटवा में इटवा और बिस्कोहर दोनों नगर पंचायत बनने के लिए तरस रहे थे। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद योगी जी की सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर, मैंने विधायक रहते हुए प्रस्ताव दिया, उस पर दोनों नगर पंचायतें बनाई। जब ये चुनाव हो रहा था तो हम लोग जनता से यही कह रहे थे कि डबल इंजन सरकार आपने बना दी है, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली योगी सरकार। अब ये नगर पंचायत ये केवल एक बोर्ड नहीं है, ये नगर की सरकार है, स्थानीय सरकार है। अगर यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का चेयरमैन होगा, तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार के कारण केंद्र की नीतियां, प्रदेश की नीतियां, दोनों के कार्यक्रम, दोनों से मिलने वाले धन का सदुपयोग होगा। और ये जो अभी गाँव का समूह है, अभी नया नया बना, अभी तो ये 20 गांव 25 गांव का समूह है, एक गांव का समूह एक नगर बन पाएगा, आदर्श नगर बन पाएगा, सभी नगरीय सुविधाएं यहां उपलब्ध हो पाएंगी। तो जनता ने आशीर्वाद दिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, तो जितनी सुविधाएं एक नगर में होनी चाहिए, चाहे वो जल निकासी की हो, सड़क की हो, विद्युत की व्यवस्था की हो, जो यहाँ स्कूल है, अस्पताल है, उनके कायाकल्प का हो, जो स्थानीय परिवहन की सुविधाएं हो, विवाह घर हो, सामुदायिक भवन हो, इन सब चीजों का प्रयास इस 5 वर्ष के कार्यकाल में किया जाएगा। जी, मैं सबसे पहले तो इटवा नगर पंचायत के सभी मतदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज जिस अपने आशीर्वाद से आपने पद दिया है, बहुत ही मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज शपथ ग्रहण हमने लिया है और निश्चित रूप से जो भी यहां की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क हो, नाली हो, जो भी यहां की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको हम प्रयास करेंगे लाने के लिए। नवसर्जित नगर पंचायत है, बड़ा चैलेंजिंग है, जैसे विकास आपका नाम है, तो विकास में रफ्तार देखने को मिलेगी कि जब से तक? जी जी, मैं सभी मतदाताओं को, यहाँ के जनता जनार्दन को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क हो, नाली हो, पेयजल की समस्या हो, सारी समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा।